NCHMCT JEE में कौन सा सेक्शन ज़्यादा टफ है, कौन सा सेक्शन ज़्यादा इजी है और पूरे सेक्शन को कैसे प्रिपेयर करना है, वी विल लुक एट इन दिस वीडियो। सो एज ऑफ नाउ दिसंबर इज स्टार्टेड, जितने लोग 12th बोर्ड के साथ प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके पास दिसंबर और जैन मंथ का टाइम है, बाद में आप बोर्ड एग्ज़ाम पे फोकस करना चालू कर दोगे। तो मैक्सिमम प्रिपरेशन अभी दिसंबर में और जैन मंथ में आपको कर लेनी है, और उसके बाद बोर्ड एग्ज़ाम के बाद यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। तो अप्रैल में अपना आइडियली एग्ज़ाम होता है, अप्रैल 3rd वीक में NCHMCT JEE का एग्ज़ाम होता है। सो पूरे सेक्शन को कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे वर्कआउट करना है, सो प्रिपरेशन वाइज वीकडे वीकेंड को कैसे यूज़ करेंगे ये वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो शेयर कर दो आपके सारे फ्रेंड को, जितने लोग NCHMCT JEE एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और टॉप IHM में एडमिशन लेना है उनको, IHM मुंबई, IHM दिल्ली, गोवा, बैंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, जो भी IHM में एडमिशन लेना है, सिर्फ और सिर्फ NCHMCT के स्कोर पे, रैंक बेस पे आपको एडमिशन मिलने वाला है, 12th का कोई रोल प्ले नहीं है। बट हाँ, ऐसा नहीं कि अपने को 12th में स्कोर नहीं लेके आना, 12th को भी फोकस में रखो, 12th को भी प्रिपेयर अच्छे से करो, बट एंट्रेंस में अपने को अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। सो इन एग्ज़ाम देर आर 5 सेक्शन, सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो इंग्लिश का है, 60 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं, 30 इधर से आएंगे, 30 यहाँ से आएंगे, 30 यहाँ से आएंगे और 50 इधर से आने वाले हैं। सो ओवरऑल आपका 200 क्वेश्चंस आने वाले हैं इन टू 4, ओवरऑल मार्क्स इज 800 मार्क्स का पेपर है आपका। इसके अंदर दूसरा जो बड़ा प्रॉब्लम है वो है निगेटिव मार्किंग का, अगर क्वेश्चन रॉन्ग हुआ, एक क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो 4 मार्क्स जो मिलने वाले थे वो तो गए, और निगेटिव मार्किंग -1, तो ये भी -4 एंड -1 पूरे मिला के 5 मार्क्स जाने वाले हैं, ये तो मार्क्स का लॉस है, और जो आपने टाइम लगाया था क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो भी आपका लॉस है। दैट इज़ वाई वही क्वेश्चन मार्क करना जो आपको लग रहा है कि राइट है, कॉन्फिडेंट हो आपके यहाँ ये आंसर बनेगा इसका, तुक्का मटका यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, अप्लाई भी मत करना नहीं तो बहुत नीचे स्कोर गिरेगा। सो इंग्लिश को लेकर के एज आई कीप ऑन सेइंग, एक तो रीडिंग चालू करो, न्यूज़पेपर रीडिंग, इंडियन एक्सप्रेस भी अगर आप कर रहे हो तो दैट इज़ ओके, ग्रामर और आपका 1 RC डेली का प्रैक्टिस, तो ये मिला के 1 घंटा और ये आपका 30 मिनट्स का टाइम, तो पूरा मिला के 1.5 घंटा आपको इंग्लिश पे देना है, ये आज से चालू कर दो। और इसके साथ साथ अगर 30 मिनट्स का टाइम और दे सकते हो तो एक एक टॉपिक मेन्यूअर के पोर्टल पर सारे वीडियोज़ हैं उसको देख के ख़त्म करो। अगर आपने कोई और कोचिंग ज्वाइन किया है या तो फिर और कोई वीडियो लेक्चर किसी सर्विस प्रोवाइडर का लिया हुआ है तो ये सारे टॉपिक आपको वहाँ से ख़त्म करने हैं। तो ये तो प्रिपरेशन इंग्लिश के बता दी मैंने, ठीक है। टफ सेक्शन अगर 5ों में से मेरे से पूछोगे, सबसे ज़्यादा टफ सेक्शन है आपका GK, सेकेंड नंबर पे आता है मैथ्स, उसके बाद बाकी के सेक्शन मैनेजेबल है, अगर आप अच्छे से करोगे तो बाकी के 3ों सेक्शन में अच्छा स्कोर बनेगा अपना। सो सबसे ज़्यादा टफ सेक्शन आपका GK है, देन योर मैथ्स। इजी सेक्शन आप बोलोगे सर्विस सेक्टर ज़्यादा इजी है, यहाँ पे स्कोर बन जाते हैं। तो लॉजिक में आपको सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट सीखना है ट्रेडिशनल लॉजिक को लेके, और अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो ये आप लास्ट के 1 महीना भी करते हो लॉजिक तो भी हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इंग्लिश लास्ट में प्रिपरेशन बिल्कुल भी एडवाइज़ नहीं करूँगा मैं, तो आप इंग्लिश पे day 1 से चालू हो जाओ जिस दिन मेरा ये वीडियो देख रहे हो। लॉजिक अगर आप ग्रेजुअली 1-1 टॉपिक पर वीक 1 वीक में करते हो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैथ्स को लेकर के जितने लोग का मैथ्स वीक है, कैलकुलेशन वाइज, अंडरस्टैंडिंग वाइज, कंसेप्ट वाइज, प्रैक्टिस वाइज आंसर नहीं मिलता है, टाइम बहुत ज़्यादा लगाते हो, तो आपको ज़्यादा पेन घसना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको वीक में पहली बात तो 2 टॉपिक मैथ्स के करने ही करने हैं। अभी आप ये टॉपिक कैसे कर सकते हो, आपके मेन्यूअल की बुक में 50 क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन नहीं करने, 30 क्वेश्चन ही सिर्फ करने, ठीक है। अब वो 30 क्वेश्चन भी कैसे करो आप, जैसे कि मंडे टू फ्राइडे वीकडे है आपके पास, सारे टॉपिक का वीडियो लेक्चर आपके मेन्यूअल के डैशबोर्ड पर वो देख लो, बुक्स में से थियरी पार्ट और उसके 4-5 ईजी वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लो, 25 क्वेश्चन बचे, 30 में से अगर 4-5 आपने सॉल्व कर लिया 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 5 मिनट का टाइम बहुत हो गया, मतलब इससे ज़्यादा टाइम मत लगाओ, 10 मिनट मैक्सिमम, इसके ज़्यादा टाइम लगाना मतलब टाइम वेस्टिंग है, मतलब फिर आपको या तो पीछे बुक के सोल्यूशन दिया वो देख लो आप, या तो फिर वो डाउट के लिए जाना चाहिए, आधा घंटा 1 घंटा एक क्वेश्चन को डिवोट नहीं करना, और फिर शाबाशी नहीं करनी कि यार मैंने तो आधा घंटा लगाया फिर भी नहीं बना, वो गलती नहीं करनी है। तो 25 क्वेश्चन 5 मिनट भी लगाते तो 125 मिनट्स का टाइम, मतलब 2 घंटा मैक्सिमम, चलो 3 घंटे पकड़ लेते, तो एक टॉपिक के बाद 3 घंटे में हो जाएगा। ये टाइम आप सैटरडे संडे यूज़ करो जो आपको प्रैक्टिस करने सारे क्वेश्चन, बिकॉज लॉन्ग सिटिंग लगेगी आपको 25-30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए 3 घंटा। सो वीकेंड पे आपको 2 टॉपिक करने हैं, ऐसे ही परसेंटेज कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया, तो 6 घंटे में हो गया आपका, 6 से 7 घंटे, तो सैटरडे संडे आप डिवाइड कर सकते हो, और एक टॉपिक लॉजिक का। इंग्लिश आप वीकडे में ही करोगे तो ज़्यादा बेटर है, मंडे टू फ्राइडे के बीच में एक एक टॉपिक भी खत्म करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जैन तक आपका डिसेंट लेवल की प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। GK आई वॉन्ट 1 आवर आपको डेली बेसिस पे देना ही देना है, स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स, मतलब यहाँ पे कुछ भी शॉर्ट शॉर्ट नहीं है कि ये बनेगा ये आएगा क्वेश्चन, इतना पढ़ लिया तो मेरा काम हो गया। GK इज़ लाइक अ सी, कितना भी पढ़ लो कम है,
तो आपके मेन्यूअर के पोर्टल पे वीडियोस दिया हुआ है, हैंडआउट दिया हुआ है, और मेन्यूअर के जो बुक है स्टैटिक जीके की बुक, वो आपको ख़त्म करनी है। ठीक है, तो जीके तो डे वन से 1 घंटा दे सकते हो तो अच्छी बात है, और अगर आपके पास टाइम है सो 1 घंटा स्टैटिक, 1 घंटा करंट अफेयर्स, स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स। सर्विस सेक्टर लास्ट के महीने के लिए रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब बोर्ड एग्जाम के बाद आओगे सर्विस सेक्टर अपन कर लेंगे, इसको लेके बिंदास रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना मेन जो पेन है, मेन जो प्रॉब्लम है वो है जीके और मैथ्स, ये 60 क्वेश्चन × 4, 240 मार्क्स। बाकी इंग्लिश में अगर आपका वोकैब वीक है तो मैं वर्ड पावर मेड इजी एक बुक रिकमेंड कर देता हूँ, अगर आपके पास टाइम है, रेड वाली बुक, तो ये बुक कर लोगे 2.5 महीने में ये बुक कवर हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। एंड अगर आपने मेन्यूअर का लाइव क्लास या तो क्लासरूम ज्वाइन किया हुआ है, सो इन दैट वी विल बी गाइडिंग यू कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या करिकुलम फॉलो करने हैं, एंड यू विल बी गेटिंग कंप्लीट टूल्स ऑल्सो, लाइक वीडियो लेक्चर्स हो गया आपका, हैंड आउट्स हो गए, टेस्ट सीरीज हो गया, टॉपिक टेस्ट हो गया, फुल लेंथ मॉक हो गया, पास्ट पेपर सोल्यूशन हो गया, एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग। ठीक है, सो अगर आप मुंबई बेस हो देन यू कैन चेक आउट आर दादर बोरीवली वसई सेंटर फॉर द क्लासरूम कोचिंग, बट इफ यू आर नॉट मुंबई बेस तो लाइव क्लास ऑनलाइन यू कैन ज्वाइन, यू कैन कॉन्टैक्ट आर टीम ऑन दिस नंबर, एंड दिस इज वॉट द कम्प्लीट टीचिंग करिकुलम विच विल बी गेटिंग फॉर योर प्रिपरेशन। सो टारगेट करो टॉप IHM में एडमिशन लेने का, और इसके लिए आपको NCHM CET JEE में अच्छा रैंक लेके आना पड़ेगा। IHM मुंबई टारगेट कर रहे हैं तो लेस देन 500 की रैंक चाहिए, और दिल्ली टारगेट कर रहे हैं तो लेस देन 200 की रैंक चाहिए, और वैसे ही दूसरे IHMs को लेके। सो सारी इन्फॉर्मेशन बैचेस को लेके आई हैव मेंशन इन डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट, प्रिपेयर वेल, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।